अल्लाह से मदद मांगी, फिर आपका था कि भाई डॉक्टर साहब के पास चलें एक मरतबा मिल लें, तो ये कि आपकी माशाल्लाह दवा से 3 4 दिन की दवा से बहुत बेहतरी आई है तबीयत में। तो फिर मुझे बड़ा ताज्जुब मिला, यार इस तरह हो ही नहीं सकता। फिर बड़ा वो था कि यार किसी तरह डॉक्टर साहब से मुलाकात करें, आप गए हुए थे, फिर आपका अपॉइंटमेंट लिया तो ये भाई को मैं लेके आया। इनका डायलिसिस का मसला था, डॉक्टर ने कहा था इनको डायलिसिस करेंगे, SIUTM लेके गए थे, उन्होंने कहा हम अभी डायलिसिस पे लगाएंगे, हमने मना कर दिया। फिर आपके पास लिया क्योंकि मैंने एक दो पेशेंट आपके देखे थे जो माशाल्लाह सही हुए थे डायलिसिस से, तो मैंने बोला भाई को कि यहाँ चलें। तो अभी अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह डायलिसिस का मसला भी खत्म हो रहा है और शुगर भी माशाल्लाह खत्म हो गई है। अभी अलहमदुल्ला बगैर डायलिसिस के सेट नहीं है, बहुत वरना अच्छे हैं, बहुत अच्छे जिस हैं। जिस कंडीशन में आप SIUT गए थे जी, वो तो वो तो फौरन डायलिसिस करके आ गए। उन्होंने कहा फौरन अभी हम लगाएंगे, इनकी जान को खतरा है। पर हमने अल्लाह से मदद मांगी, फिर आपका था कि भाई डॉक्टर साहब के पास चलें एक मरतबा मिल लें, तो ये कि आपकी माशाल्लाह दवा से 3 4 दिन की दवा से बहुत बेहतरी आई है तबीयत में। और सबसे पहली बात ये कि शुगर भी माशाल्लाह इनकी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, खत्म ही हो गई। और अब डायलिसिस का जो डॉक्टर ने कहा था वो भी बेहतर हो गई है तबीयत, सिर्फ 3 4 दिन की दवा से आपकी। तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने आप जैसे लोग इस दुनिया में भेजे और जो इलाज कर रहे हैं और लोग उससे फैजयाब हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा सबको कि भाई इधर एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बजाय अपना नुकसान करने से बेहतर है कि आपकी दवा लें और सेहत याब हो। आप क्या कर रहे हैं? मेरा जनरल स्टोर है नाजामाबाद में नाजोबाद जी, नाजामाबाद छोटा मैदान कीजिए। आप जो है इनके भाई हैं? जी, ये मेरे बहनों ही लगते हैं, ये मेरी सिस्टर है मेरे। अच्छा, तो बहन आप कुछ अल्फाज बताएं कि क्या तब्दीली आई 3 से 4 दिन में इनके इलाज में, क्या फर्क पड़ा? ये कि सूजन जो इनके माई की तरह दीजिएगा, फिलहाल हमारा सूजन जो इनके पैरों में रहती थी ना वो खत्म हो गई बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे हो गए थे पर उल्टियाँ वोमिटिंग बंद नहीं हो रही थी इनकी। अब ये है कि बहुत माशाल्लाह बेहतर है, वरना भूख नहीं लग रही थी, खाने को नहीं मांग रहे थे, 3 4 महीने ऐसे ही हो गई थी इनकी हालत। तो है कि वो पेट भी फूल गया था वो भी सही हो गया, काफ़ी फर्क आया 3 4 दिन में, और शुगर भी कम हो गई। कभी आपने सुना था या उम्मीद थी कि शुगर खत्म भी हो सकती है? नहीं कभी भी नहीं, कहीं नहीं सुना। कितने दिन दवा खाई थी इन्होंने? सिर्फ एक कैप्सूल खाया था जिससे इनकी शुगर इतनी डाउन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक कैप्सूल से 38 ऑपरेशन की 400 से। तो ये बताइए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का मर्ज खत्म हो गया और अंग्रेजी दवाएं सारी बंद नहीं है, घर की दवा नहीं? नहीं कुछ भी नहीं खा रहे, जो आपने दिए सिर्फ आपकी दवाएं। वैसे कभी जिंदगी में सुना कि शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है? नहीं कभी भी नहीं, सब यही कहते हैं कभी नहीं खत्म हो सकती। अब ये जो गुर्दे के और डायलिसिस के भी मसाइल थे, 3 दिन की दवा से उसमें क्या तब्दीली महसूस किया आपने? ये है कि अभी अच्छे हो गए, चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खाने को थोड़ा बहुत मांग रहे हैं, हल्की फुल्की गिजा, ये और ये कि जो सूजन थी वो सारी खत्म हो गई, जिसमें हमें दर्द वगैरह। आपने किसी दोस्त को रिश्तेदार को पड़ोसी को बताया कि हम इस तरह इलाज करा रहे हैं शुगर खत्म हो गई जी, तो उसने क्या कहा कि ठीक है या कहा कि नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने सबने यही कहा कि अच्छी बात है, अगर आप जा रहे हैं तो सही है। अगर उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट हो सकती है तो आप करवाएं, देखें डायलिसिस से अच्छा है तकलीफ से कि डॉक्टर साहब की दवा से ही शिफा हो जाए। तो मुतमईन है आप इलाज से? जी मोहसिन सिंह बोले काम हो गए, बोले सीमेंट नहीं लगाओ काम हो गए। अच्छा ये बाहर है बाहर। अच्छा और कोई बात और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या कोई और ऐसी कैफियत जो 3 4 दिन पहले की खराब थी और बेहतर हो गई? वोमिटिंग का ही मसला है बहुत ज्यादा है कि बस जो खाना खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा। नहीं कोई और ऐसी चीज जो पहले मसाइल थे और अब वो बेहतर हो रहा है? बस एक पेट जो फूल रहा था बहुत ज्यादा, इससे मैं 3 4 महीने से परेशान थी, ये क्या बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और इस हवाले से क्या कहेंगे कि लोग कहते हैं कि जड़ी-बूटियों का इलाज से फायदा नहीं होता या बहुत टाइम? नहीं नहीं सब सब ने हमें सपोर्ट करा है कि अच्छी बात है आप इलाज करा रहे हैं, कराएं। और मुझे भी एक आम एक चीज मशहूर है कि भाई अंग्रेजी दवा और अंग्रेजी दवा से तो इलाज मुमकिन ही नहीं है डायलिसिस का या शुगर ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का, मगर एक मशहूर ये है कि बस हर्बल दवा तो बिल्कुल ही बहुत दिनों बाद काम करती है, बहुत से लोग काम करती है। तो आपने जो 3 दिन ये आपके हस्बैंड ने जो आसिफ साहब ने दवा खाई आपने क्या महसूस किया? मैंने भी और इनकी सिस्टर ने सबने यही देखा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, काफी फर्क आ गया है 3 दिन में, अच्छी बेहतर तबीयत लग रही है देखने में। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बेटियां।
अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनको सेहत दे देंगे, आप दुआ करेंगे हमारे लिए जी आने वाले हर मरीजों के लिए इंशाल्लाह।